Would you do me a favor, please? Why not? Oh, sure. It's my pleasure. Please fetch me a glass of water. Here is the water, sir. Thank you so much for the water. You're welcome, sir. Good morning, everyone. Today, I will teach you how to ask for something. अगर हमें किसी कुछ मांगना हो तो हमें क्या क्या कहना पड़ता है और सामने वाला हमसे क्या क्या कहता है. मान लीजिए आपको पानी ही मंगाना है, ठीक है, तो आप अपने सामने वाले से कह सकते हैं, क्या मेरा तुम एक काम कर दोगे. इसे इंग्लिश में बोलना है, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज. वहां से जवाब आया, क्यों नहीं. इंग्लिश में बोलेंगे, वाई नॉट. ओ श्योर, इट्स माई प्लेजर. आपने कहा, ऐसा करो, एक ग्लास पानी ले आओ मेरे लिए. प्लीज फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. फैच होता है जाकर लाना, जैसे बच्चों को स्कूल से ले आओ, फैच द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल. ऐसे कुछ भी मंगाना है जाकर ले आओ तो बोलेंगे फैच. जैसे फैच द अम्ब्रेला, छाता जाकर ले आओ. एक कप चाय ले आओ, जाकर फैच अ कप ऑफ टी. तो यहाँ आपने बोला फैच अ ग्लास ऑफ वाटर. कुछ देर बाद वो पानी आपने लेके आया, उसने बोला, आपको पानी दिया और बोला, ये लीजिए सर पानी, हेयर इज द वॉटर. जब भी हम किसी को कोई चीज देते हैं तो बोलते हैं सर ये लीजिए, तो हेयर इज आपको यूज करना है. ये लीजिए पानी, हेयर इज द वॉटर. ये लीजिए चम्मच, हेयर इज द स्पून. ये लीजिए नमक, हेयर इज द सॉल्ट. ये लीजिए चाबी, हेयर इज द की. ये रहे पैसे, हेयर इज द मनी. फिर उन्होंने क्या बोला, जैसे आपने उन्हें पानी दिया, बोला हेयर इज द वॉटर सर. उन्हें पानी का गिलास आपसे लिया और बोला थैंक यू सो मच फॉर द वॉटर. उसके बदले में आप बोलते हैं धन्यवाद. उन्हें धन्यवाद आपको दिया, आपने कहना है यू आर वेलकम सर. यू आर वेलकम का मतलब होता है, अगर आगे भी आपको मुझसे कोई काम हो तो आप निसंकोच मुझसे कह सकते हैं, मैं आगे भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ. तभी हम बोलते हैं यू आर वेलकम. तो हमेशा ध्यान रखिए, आप भी जब भी यू आर वेलकम बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि आगे भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है किसी काम के लिए तो मैं हाजिर हूँ.